जिंदगी एक मुश्किल सफर है. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, दोनों dimensions के ऊपर, according to my education, little I have from the Islamic perspective, दोनों में बहुत जबरदस्त उसूल इस्लाम देता है कि इंसान उस कमाल तक कैसे पहुंचे जहां उसे चीजें दिखना शुरू हो जाती. बिकॉज वेन इट कम्स टू द हाइएस्ट लेवल ऑफ फेथ, अगर हम इस्लामिक परस्पेक्टिव के साथ स्पिरिचुअल विजन भी लेके चलें, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनलिज्म पे मैं इसके बाद आ जाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो टारगेट दिया है ना, वो ये अंताबुदल्लाह कान्ना का तराव फैलम तक उन तराव फैलना यरा का, कि तू इस दुनिया में मेरे साथ ऐसे चल, इतना एक्चुअलाइज हो कि तुझे अल्लाह दिखता हो. एंड इफ यू डोंट सी हिम फैलम तक उन तराव फैलना यरा का, तो कम से कम अपने परसेप्शनल लेवल्स पे, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी ग्रोथ और अपने ह्यूमन साइकोलॉजिकल नरिशमेंट के उस लेवल पे आ जा कि तुझे ऐसा महसूस होता हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है. सो इट्स नॉट ईजी, देर आर प्रोसीजर्स, उसूल एंड जवाबित एंड कवायद वहां तक पहुंचने के लिए. इस्लाम में भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग के, उसकी कॉन्शियसनेस के, उसके परसेप्शन के, उसकी सोच के, उसकी थॉट के, उसके इंटेलेक्ट के, तीन लेवल्स हैं. कहीं पांच आते हैं, कहीं तीन आते हैं. एक इस्लाम है, दूसरा ईमान है, तीसरा एहसान है. इवन वेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म एज वेल, अपने किसी स्किल के अंदर या अपने किसी रोल के अंदर एक्चुअलाइज होके उस लेवल तक पहुंचना वेयर विदाउट सीइंग द मकसूद एंड द मतलूब, द मंजिल एंड द डेस्टिनी, यू सी इट विद द आईज ऑफ योर हार्ट, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. इट्स अ टफ वॉक, इट्स अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ. बहुत मुश्किल सफर है जिंदगी के अंदर कुछ बनना. और मेरी तो छोटी सी जिंदगी की तहकीक ये बताती है कि किसी मकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस मकाम को रिटेन करना और उसके बाद दूसरे मकाम तक पहुंचना, तो वो असल लड़ाई वो है. दैट्स द रियल फाइट ऑफ लाइफ. क्योंकि द फर्स्ट फाइट एंड द फर्स्ट वॉर यू हैव टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसके पीछे बहुत से साइकोपैथिक एलिमेंट भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सी इरेशनल मोटिवेशन भी काम कर रही होती है, बहुत से गुमूम हुमूम कर्व और बहुत से गम काम कर रहे होते हैं. एंड बाय हुक और बाय क्रूक वी डू फाइंड समथिंग, हम पहुंच जाते हैं कहीं, मगर प्रॉब्लम पहुंचना नहीं है, प्रॉब्लम रिटेन करना है, प्रॉब्लम ग्रो करना है. प्रॉब्लम इज टू मैनेज योरसेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेशन. इनफैक्ट कुरान की एक आयत से मुझे पता चला कि ये जो मकसद होता है ना इंसान का विजन, ये कभी फौत नहीं हो सकता. बंदा फौत हो जाता है, विजन खत्म नहीं होता. वो विजन जो खत्म हो जाए वो विजन ही नहीं था. एंड यू बींग अ पार्ट ऑफ दैट विजन फिजिकली एंड फंक्शनली, दैट्स ऑल्सो अ रॉन्ग डेफिनेशन एज वेल. लोग आगे पीछे हो जाते हैं, विजन कंटिन्यू करता रहता है. That is one of the part of procedures कि आपको bench और seat छोड़नी पड़ती है. And you have to hand. That is also a part of actualizing your vision that you have to give it to someone else as well. But Allah says वाबुद रब्बा का, सूरह हिजर, वाबुद रब्बा का हत्ता यातीकल यकीन. मतलब इबादत एक प्रोसीजर है और अल्लाह मकसूद और मतलूब और विजन है. अगर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ शरीयत के साथ, आप इसको कॉर्पोरेट में अप्लाई कर लीजिएगा, वरना मैं खुद भी कर दूंगा. If God is the vision, who al maqsood al matloob al maabood, and ibadat is the procedure, and Allah says वाबुद रब्बा का हत्ता यातीकल यकीन, उस वक्त तक तूने अपने आप को उन प्रोसीजर्स, उन प्रीरिक्विजिट्स के अप्लाई करते रहना है जब तक के तुझे मौत नहीं आ जाती. तो जिंदगी के अंदर इमामत हो, क्यादत हो, लीडरशिप हो, किसी एक रोल में हो या बहुत ज्यादा रोल्स में हो, ये कभी खत्म नहीं होता. इट नेवर एंड्स अप, इनफैक्ट इट नेवर फिनिशेस. एंड द शैतान इन आवर ओन नफ्स, इन आवर ओन डिमेंटेड परसेप्शन इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल अस टू लेट गो ऑफ द बॉल, लेट गो, इट्स ओवर, यू डन. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. Asal ladai to shuru hi jab hoti hai, jab you get gray-haired. Because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. Aapka dimag bahut chalta hai us time. But zindagi ke roles ke andar, as a father, as a corporate head, as an entrepreneur, as a political leader, as a friend, as a teacher, as an ustaz, या इवन राइट नाउ कोई शख्स अगर ऐसे स्टेज पर है कि वो कुछ करना चाहता है बट ही डजंट हैव दैट, यू नो, दैट हेट इज नॉट देयर इन हिज हार्ट. तीन चार ही स्टेजेस होंगे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ द शरिया. या तो वो फैसला करना चाह रहा होगा एंड ही इज नॉट एबल टू पुल हिमसेल्फ टू लीड एनीथिंग ही वांट्स टू डू, और ही इज डूइंग इट एंड ही इज गेटिंग बीटन बैडली, अच्छे खासे तरीके से उसे मार पड़ रही होगी. कुछ महाज हार रहा होगा, कुछ महाज पे फतह होगी, कुछ महाज रिटेन कर रहा होगा, और कुछ डामाडोल तरीके से ही चल रही होगी गाड़ी. और कुछ पहुंच गए होंगे मगर इतना रिसोर्स जाया किया होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, कि ना आगे जाने की हिम्मत होगी और ना ही रिसोर्स होगा आगे बढ़ने का, या अपने जिस्म ने साथ छोड़ दिया होगा या लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा.
या मटेरियल इतना वेस्ट कर दिया होगा कि आगे के स्टेज पे जाने के लिए द आर्ट ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं दैट हैज फिनिश्ड फॉर यू नॉट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन टू फर्दर क्लेम योर एक्चुअलाइजेशन टू सी योर लिमिट एंड चेक हाउ फार यू कैन गो विद इल्म एंड अमल एंड नॉलेज एंड परसेप्शन. तो ये दो तीन स्टेजेस ही होंगी जो आपकी पर्सनल लीडरशिप के मसाइल होंगे इस टाइम. बहरहाल अगर कोई शख्स प्रोफेशनल फोरम पे नहीं भी है, प्रोफेशनल लाइफ है भी नहीं, ये जिस्म की क्यादत तो इस दुनिया में आपने करनी ही करनी है. बिसाइड्स द रोल यू आर लीडिंग एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉर्पोरेट हेड और एज अ बिजनेसमैन और एज अ पॉलिटिकल लीडर, ये सब ना भी हो, एज अ पर्सनल इंडिविजुअल यूनिक डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बीइंग इस जिस्म को लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी है. और इसमें कुछ हार जाते हैं and they commit suicide and they fall into depression and they go into the darker regions of their lives. Aur insaan manfi musbat is musbat se nikal ke manfi khayalat mein aake itne pyare gift ko jo Allah ne usko diya hai is resource ko zaya kar de. Why is this not working out? Main is par thodi si kuch baat karke aap moazzez hazrat ka samein ka jinhone mujhe ye sharaf aur zarf bakhsha hai kuch kalam karne ke liye yahan par us chote se niche ko I would want to point out ke hamara deen islamic jurisprudence and islamic law and the islamic principles and dynamics of sharia jo insaan ko taameer karne jab aata hai individual ki ya society ki ek organizational behavior ki ya ek head ki what are the dynamics in the sharia in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all quran ki ek bahut pyari ayat hai jo imamat ke prerequisites leadership's ki credentials aur uske prerequisites pe itni zabardast roshni dalti hai. Allah says waj'alna minhum a'imma, hum ek aadmi ko उसके फन में एज अ होल टोटेलिटेरियन के अंदर या एक स्पेसिफिक फन के अंदर या एक स्पेसिफिक इल्म के या एक स्पेसिफिक टैलेंट एंड स्किल के साथ जो उसको अल्लाह ने दिया है इमाम बना देते हैं, उस फील्ड का सिग्नेचर बनाते हैं उसको. मतलब वो माइलस्टोन होता है अपनी फील्ड का, मतलब वो हाथ रखेगा तो वो डेफिनेशन बन जाएगी वहां पर. अ पर्सन बिकम्स अ सिग्नेचर इन हिज फील्ड. वजअलना मिनहुम अइमा यहदूना बिअम्र यहदूना बिअम्रिन, और वो हमारी हिदायत के साथ हमारी इतनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक्स हाई होती हैं कि वो जो हुक्म दे रहा होता है अपनी फील्ड के अंदर भी, चाहे दीन की फील्ड में भी हो या प्रैक्टिकल दुनिया की फील्ड में भी, वो सिग्नेचर होता है उस टाइम पर. गलती के इम्कान बहुत मुश्किल होते हैं उस लेवल के ऊपर, बिकॉज़ ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी ग्राइंडिंग्स एंड प्रोसीजर्स और टाइम बेस्ड उसकी सक्सेस और एस्टैब्लिशमेंट होती है जब वो दो काम कर लेता है. लम्मा सबरु व कानु बिआयातिना युकिनु, सबर एंड यकीन. नाउ प्रॉफिट सेज एंड कुरान सेज सबर, लम्मा सबरु व कानु बिआयातिना युकिनु, ये दो को होल्ड करके रखिएगा. And I'll bring in some other ingredients to open these two words for you to be an imam in your field. And if you have become an imam in your field, that means life is calling you to do something new. Rukna nahi chahiye. I find a lot of people are going down in their lives. Wo khatam hota ja raha hai. Ye kabhi khatam nahi hota. Ye maut tak khatam nahi hota. Maut tak you have to serve something. Kisi vision ko, kisi kaam ko, kisi role. Ye kabhi khatam nahi hota. In fact, jab aap sab kuch hi achieve kar jate hain, to in fact aapke paas us time par जो एक रोल है लीडरशिप का वो ये है कि आप अपने फाइनल प्राइवेसी को एंजॉय करें अल्लाह के साथ बिफोर लीविंग दिस वर्ल्ड. सो इट नेवर एंड्स अप. बट दुनिया में किसी चीज के अंदर भी अपने परसू करने के लिए, उसको कोई मकाम हासिल करने के लिए, ये दो प्री रेक्विजिट्स हैं. इंसान का जो इंटरनल इनर सेल्फ है, द ह्यूमन हार्ट, द होल थिंग इज अबाउट द हार्ट. इट इज द हार्ट दैट ये दिल है जो उन अंधेरों में रोशनियां ढूंढता है, ये दिल है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. इट्स ऑल अबाउट द हार्ट. इन्ना फिल जसदी मुज़गा, इंसान के सीने के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल, अगर इस दिल की उस हिस्से की डायनामिक्स, उसकी नरिशमेंट, उसकी नर्चरिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी तरबियत, तस्फिया तस्किया, क्लेंजिंग प्योरिफिकेशन, ये सब डायनामिक्स के ऊपर अगर सही तरह काम किया जाए तो सलाहल जसदु कुल्लू, इंसान का जिस्म वो कर सकता है जो इंसान परसीव नहीं कर सकता. وَإِذَا فَسَدَتْ and if this heart is this part is fasid corrupt not dealt properly, iski sari andar ki jo spiritual inner world agar iski dynamics ke sath sahi tarah kaam nahi kiya gaya, fasad al jasadu kulluhu, insaan ka pura jism jawab de jayega. Ye Allah ka sabse khoobsurat haseen tarin shahkar jo hai, ye ek time par itna mafluj ho jata hai, yahi insaan itna mafluj ho jata hai ki Allah ise insaan bhi manne ke liye taiyar nahi hai. He becomes a waste of this planet. And that is Allah says ke a time comes lahum qulubun la yafqahuna biha, agar ek insaan ka dil un dynamics ko nahi seekhta, walahum ayunun la yubsiruna biha, aur aankhein hain jinke sath wo basirat aur wo vision nahi utarta apne andar, walahum adhanun la yasmauna biha, and he has the eyes with which he doesn't develop his heart first, clear the discrepancies, establish a strong perception, ulaika kal anam, Allah ise insaan nahi manta, ye Allah kehta ulaika kal anam, ye janwar, but then Allah doesn't stop, he says बल हो मदल, जानवर भी अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर भंडी मारते हैं, तू है इंसान
जब तू प्रोसीजर से हटेगा ना एसओपी, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। इंसान का मसला ही बेढंगा, बेतरतीब और उसूलों को छोड़ के जिस जब भी इसने कभी गुजारने की कोशिश की है, ये बर्बाद कर देगा और बर्बाद हो जाएगा। दैट्स वाई कुरान एंड सुन्ना इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, शरिया इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रनिंग मैन, कि इसे कैसे चलाना है। सो रिलीजन सेज कि इंसान का जो दिल है ना, चाहे वो किसी भी काम में, वो इंसान का दिल दो चीजों से बनता है। एक का ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ है, एजुकेशन, एल द लाइट टेक्निक। अब ये किसी भी फील्ड के अंदर हो, एज अ फादर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इवन एज अ मुस्लिम, इवन एज अ पाकिस्तानी। एक का ताल्लुक फन को, स्किल को समझने के साथ, उसको जानने के साथ, उसको डेवलप करने के साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ, उसको मुख्तलिफ स्केल्स और डायनामिक्स में रख के उसकी रिलायबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी को जानने का नाम इल्म, नॉलेज, वैल्यूज, प्लस एंड माइनस। और दूसरी पावर जो इंसान के दिल की है, जिससे इंसान का इनर परसेप्शन, इनर हार्ट बनता है, दैट इज टू डू विद अमल, कुव्वत इरादा, नीयत, फोर्स टू एक्ट, फोर्स टू प्रोड्यूस, फोर्स टू परफॉर्म। ये दोनों को उठाने का नाम ही बंदे को उठाने का नाम। और ये दोनों अगर ड्रॉप डाउन हो जाए तो ये बंदा कहीं का नहीं रहता। इंसान का इल्म जो है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इंटेलेक्ट है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फन में, किसी भी इल्म में, किसी भी दर्जे पे, इंसान अगर वो काम खींच नहीं पा रहा, या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, या आगे आगे वाले स्टेशन के लिए चढ़ नहीं पा रहा, द रीजन इज ही हैज डाउट्स, शक शुबात इन हिज हार्ट रिलेटेड टू हिज विजन। या अपने पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर यकीन नहीं है, या रिसोर्सेज पे यकीन नहीं है, या मटेरियल पे यकीन नहीं है, लोगों पे यकीन है, डाउट्स, कंप्लीट डाउट्स। एंड अ डाउटफुल हार्ट विल नॉट पंच एज पावरफुली इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु वो जानता है कि मैं मारूंगा और टूट जाएगी। बिकॉज दैट पुश, मसल का पुश इतना स्ट्रांग नहीं होता जो स्पिरिट का पुश होता है। और अगर रूही साथ नहीं है जिस्म के, आप ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। ग्रोइंग डिप्रेशन इन पाकिस्तान इज बिकॉज द फ्लैश इज नॉट इन अलायंस विद द सोल। रूह जो है वो जिस्म के साथ नहीं खड़ी, दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका जिस्म बूढ़ा होता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह वक्त के साथ ग्रो करती है। रूह के डायनामिक्स, उसको ट्रेन करने के डायनामिक्स फिजिकल मटेरियल के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट। या तो उसकी लीडरशिप, या उसका फैसला, या उसका डिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका पूरा सब्सटेंस जो स्ट्रगल उसका लगा हुआ है, आपका या किसी का भी, या वो इस एंड से मार खा रहा होगा कि ही डजंट हैव दैट गट टू कैरी इट अलोंग, शक है वहम है उसके, या उसकी लीडरशिप इधर से मार खा रही है, या इधर हिज लाइफ इज गेटिंग बीटन, इज गेटिंग नेल्ड, इज गेटिंग ग्राउंडेड, कि उसका जो कुव्वत इरादा, उसकी नीयत, उसका फोर्स टू परफॉर्म जो है वो फासिद हो गया। उसमें शहवात आ चुकी है, डिजायर्स आ चुकी है दुनिया की, अपने विजन से रिलेटेड जो कुर्बानी देने का जज्बा था, अपने रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो प्रीरिक्विजिट्स थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के और मेंटल एक्सरसाइजेस के, उसने उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसलिए इमाम इब्न कय्यिम सेज अमराज़ुल क़ुलूब नवान, दिल की दो ही बीमारियां हैं, और लीडरशिप की भी दो ही बीमारियां हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी दो ही बीमारियां, अशक व शहवात। इट्स ईदर द टू डीज और द टू शीन, या डाउट है या डिजायर है, या शक है या शहवात। एंड यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू डीज इनटू टू सीज, दैट इज अपने इल्म को सर्टन बनाए। वन सी इज द सर्टेनिटी एंड द सेकंड सी इज कंसिस्टेंसी। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अमल नहीं होता, और कुछ लोगों के पास अमल होता है मगर इल्म के अंदर फारिग। एक को ना इवैल्यूएशन आती है, ना वैल्यू सेटिंग आती है, ना स्टैंडर्डाइजेशन आती है। गेंडे की तरह सींग मार रहा है, द वॉल इज नॉट गोना ब्रेक, क्योंकि हर ऑब्स्ट्रक्शन और ओपोनेंट को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। इट्स ऑलवेज नॉट माइट वर्सेस माइट, समटाइम्स इट्स ब्रेन वर्सेस माइट टेक्निक। या उसको तरीका नहीं आता, या तरीका तो आता है मगर काम नहीं करना चाहता, उसकी नफ्सियात के अंदर काहली, कमजोरी, वैल्यू सेटिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो ना अपनी इज्जत करता है, ना अपनी फील्ड की इज्जत करता है, ना अपने मकाम की इज्जत करता है, ना अपने लोगों की इज्जत करता है, और एक टाइम पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर देता है, और लोगों को भी जाया करता है, और कहता है तोड़े काम करने के नाल केड़ा इंकलाब आ जाना। वेरी टिपिकल। सो इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअलाइज योर सेल्फ, एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअलाइज योर हार्ट, एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअलाइज योर लीडरशिप, पढ़ना ना छोड़ेंगे। इल्म को, इल्म नहीं रुकता कभी इस दुनिया के अंदर। लोग खत्म हो गए, इल्म नहीं खत्म होता। और इल्म भी दो किस्म का है, एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है आपकी फील्ड्स का, जो आप चार साल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, और एक इल्हाम होता है फील्ड के अंदर, फाल हमहा फजूरहा व तकवा। इसलिए कहते हैं दीन पढ़ाते हुए भी इंसान का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वो तफसीर करते हुए ना वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि यू हैव स्पेंड सो मच टाइम, यू हैव स्पेंड सो मच लव, सो मच होप, सो मच फियर इज इन्वॉल्व विद योर विजन, कि आपको ख्वाब भी इसी चीज के आते हैं। इतना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके इंसान उस फील्ड में उसकी जुबान चलती है, उसका दिल चलता है उसका।
That's the time when you feel ये ऑप्शन सही नहीं है. क्यों? It's my heart, मेरा दिल नहीं मानता इसको. ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कॉन्सेंट्रेशन और आपका अमली कॉन्सेंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ और अपनी अमली कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है. सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल. इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए. यू नीड सुन्नास, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक दैट. मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आता. सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं. सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी. वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना, अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में और सिग्नेचर हो जाएगा. दैट्स व्हाट मेक्स यू अ मोहसिन, दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीबी को सुनाने के बाद पढ़ रहा होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही रिस्पेक्ट्स हिज हार्ट. ही इज अ ब्रीड हु इज मेंट टू बी बिग, ही इज अ ब्रीड हु हैज टू बी बिग, ही इज मेंट टू कॉन्कर द वर्ल्ड. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमल, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज, अपने मैंडेटरी, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपके गोद में आके रख देंगे. क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको. That's it. Even God, Allah says, "Ana in the zanni abdi bhi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा, मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूँगा. ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं, the second resource. There are four resources of a human being, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नास शख्सियत बन सकती है. The first resource is you. The second resource is the world, people. Second is the people. Third is the material. And fourth is Allah Subhanahu wa Taala, the supernatural and the natural resource. और इन चारों को exhaust करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है. किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया. नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया. और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम. अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुल किताब वल हिक्मा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज. एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़ु शय अल मौज़ी, चीजों को उसकी जगह पे रखना. आठ है तो सात भी जुल्म है, छह भी जुल्म है. आठ हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक. थर्ड अल्लाह से वल हिक्मा. अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया ही नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ. वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल. क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर. उसमें लोगों के साथ आपका टकराव भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे सफर में. मुल्कों भी मैं यही एडवाइस करता हूँ. तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है. वज़ व शय अल मौज़ी, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़ व शय अल गैर मौज़ी, जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फर्क. और यही शायद अल्फाज और यही मिसकैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं. इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है, क्यों? इल्म ही नहीं है. और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है. अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल. इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी. कुरान में दो जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया. सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप. मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है.
क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म द मोमेंट यू गेट नेगेटिव द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट, आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया, अपने हार जाएंगे आप। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इससे इसको इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती। क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान, रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन फीलिंग्स जज्बात के ऊपर तो बुलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर, और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता सब। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और इल्म, अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम एप्लीकेशन द लॉ द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं उस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी करा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी गुस्सा आ गया मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई इनसिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज्ड। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल गॉड योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेस। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बता बे सियासत नफ्सी फकत अदरक सियासत अन्नास, जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा। मगर मन ला यारिफ नफ्सा हो, जो अपने नफ्स को नहीं जानता वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है, और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन्नफ्स, लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही ये होती है ना, उसका दुख ना उसका गम ना उसका दर्द समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है, वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा, तो इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है, फील्ड को समझता है वो, फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरियों में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क्यामत की निशानी ये की है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब डेंट, सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क्यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था, लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, यानी गोज टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पर। मगर आप कहेंगे जी मैं हूं नेथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाह ने खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाकिस इल्म से आप लोगों के सामने जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुजदली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीशन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर, आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है मगर टेक्निक जो होती है ना वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के कॉन्टेम्पलेट करके उसको एक्सरसाइज करके, अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परमेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना, अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परमेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना तो
फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो. दिस इज द फेक ऑफ टी, दिस इज द ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से. और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती. और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें. फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन. डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस. एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे दे. सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए. बेटा तू चला, अब इसको हमारा टाइम हो. मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन. क्योंकि वफाउ का कुल इजी इल्मिन अलीम. हर इल्म वाले के, हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल. यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम. एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे. एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोप डालता है, स्पिरिचुअल रोप डालता है. लीडर होता ही हुआ जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है. मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिड़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कसलान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड. एक्चुअली हार गए. दो तीन किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती. जीत ये होती है जो काम किया है वेस्टर्नर्स ने भी किया. और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक हो, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है. इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग. वो सो गुड. उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके. साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड. शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले. ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएंगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी. इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी. You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, Surah Yusuf ka ek bada khubsurat tohfa aapki khidmat mein pesh karke aapse ijazat lunga. Jab duniya mein sabse mushkil tareen kaam insaan karne jata hai na, to sabse gandi galeez awaaz jo usko aati hai na, uski us in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la ammaratun bis su. Ye jo nafs hai na insaan ka, oh duniya, isliye kehte hain al jihadu bi nafs kana akhbaru min al jihad bi sayf. The fight with your own perception. अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका. आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है. एंड यू विल बी रिप्लेस्ड. ये सीट निकल जाएगी आपके पास. तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम. और इन पे ये प्रीरिक्विजिट्स होते हैं. कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं. दे डोंट मूव, दे डोंट डू एक्सरसाइज. सो यू हैव टू वर्क ऑन द टेक्निक्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन कंसिस्टेंस एक्सरसाइज. एंड इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रस्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे. और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है. ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता. पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन जाऊं. पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी. इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता. ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की. ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको. वो ग्रे में ही बना था. ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का. ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी. उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया. नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर. एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता. जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे. वो अगर आज किसी मकाम पर हैं, उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये बहुत प्यारा सा और बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का. समझ ही नहीं सकता इसको कोई. बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक. इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन. अकेला चलता है आदमी, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, एंड देन ही मीट्स द राइट पीपल. और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें. अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया आपसे. आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है. इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशन खबीस में से तैयब को अलहदा करता है. वेट फॉर योर टाइम.
इट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर. कौमे आएंगी, कौमे चली जाएंगी. फजूल, अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट. अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलैखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह देती. एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मार के आती है, इम्प्योरिफिकेशन को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर. और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है या नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी, क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है. क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंड सेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं, उसने फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा हमेशा. और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर. आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा, ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले, आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड, एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ. ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें, ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है. आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने. व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू. आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है. यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ. इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेस, नॉट योर कलीग्स, एंड नॉट द कंपनी. ये तो बना ही आपके लिए, फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड. कई सुनी बात में गलती हो, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ. वाह खुदावाना अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन. जज़ाकअल्लाह.